सर कल टेस्ट होगा ना? हाँ कल केमिकल आने का बोला हुआ ना। अच्छा लास्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है पता है ना सबको? इसमें तुम्हें KCl3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। KCl3 का इक्विवेलेंट वेट, बाकी दोनों इक्वेशन बैलेंस करनी है।
तीनों कर लिए। अनुराग, अनुराग तीनों कर लिए हैं, ओनली थर्ड। चलो ए, ए, और बाकी किसी बच्चे ने तीनों कर लिए कि नहीं? यस सर, हो गए। चलो एक बार देखते हैं आंसर। पहला है एचजी से, मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल से करना हमेशा। एचजी से एचजी NO3 होल ट्वाइस है तो एचजी 2+, जिसने मेरे पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उससे आसानी से हो गया होगा क्वेश्चन ये। एचजी से एचजी 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तक लिख कर छोड़ देना। दूसरा HNO3 से क्या है NO, प्लस 5 से प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन तीन आ जाएंगे क्योंकि प्लस 5 से प्लस 2 का चेंज आ रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चाहो तो यहां तक करके छोड़ दो, अभी से एच प्लस वगैरह मत लगाओ, डायरेक्ट इसको हिट एंड ट्रायल से करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, 3HG प्लस 2HNO3 गिव्स HG, 3HG 2+ है, 3HG 2+ को मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, 3HG NO3 होल ट्वाइस, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, प्लस 2NO। पहले ऐसे करना, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अब उसके बाद N को फाइनली बैलेंस कर देना। N यहाँ पे कितने हैं, 3, 2, 6 है, 6 यहाँ पे हैं और 2N यहाँ पे, 8N है ना, तो इस 2 को 8 बना देना, जो सबसे डिफरेंट एटम है उसको देखते हुए इस 2 को 8 बना देना। ये पहले बताया हुआ ना मैंने गर्व, यस सर, यस सर, कल कराया था ना, कल कराया था क्वेश्चन ये। अब ये 8 बना दिया, अब इसके बाद अब 8H है यहाँ पे और 24O है, 8H 24O, लेकिन यहाँ पे 3, 6, 18, 18 प्लस 2, 20O तो यही यूज हो रहे हैं, देखो 3 × 6, 18 प्लस 2, 20O यूज हो रहे हैं, तो 20O तो खत्म हो गए, तो यहाँ पे 8H है और 4O है तो 4H2 आ जाएगा। ये गर्व तेरा किसका सही हुआ, ये गर्व सिंगल सर, सही हो गया, सही है। हाँ, गर्व, प्रियंका, शरद, आर्यमन, अर्जुन, हेमांग, निकिता और नहीं हुआ उदित, चलो लेकिन तुम लोग इस वाला प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर पे, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना बात मानते रहेंगे उन्हीं का रिजल्ट आएगा अच्छा वाला, ये ध्यान रखना चीज का, बात नहीं मानोगे, मैं बहुत अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ सारा कि इसको इतनी बार रिपीट करो, रिपीट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। अभी ये 8 बच्चों का सही हुआ सिर्फ क्लास में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया है? यस सर, यस। चलो इक्वेशन गर्व तू बोले एक बार, इक्वेशन क्या है दूसरी वाली, तो बैलेंस वाली। हाँ गर्व एक बार बैलेंस वाली बोल सर। 2Cu प्लस 6HNO3 गिव्स 2CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस NO2 और सर H2, सर मैंने H2 लिखे नहीं सर, मैंने शायद, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कॉपर से कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया HNO3, HNO3 से NO भी बन रहा है, सही ना, HNO3 से क्या क्या बन रहा है, इससे NO भी बन रहा है और NO2 भी बन रहा है, दोनों में स्टेट चेंज आ रही है ना। हाँ बोल गर्व। चलो ये बन रहे ना, तो इसमें दोनों ले लो, एक बार 2HNO3 ले लो, दोनों से अलग अलग निकाल लो, तो ये आ गया HNO3 से NO, यानी 3 HNO3 से NO प्लस 5 से प्लस 2 तीन इलेक्ट्रॉन, HNO3 से NO2 प्लस 5 से प्लस 4 एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। अब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा कॉपर 2 कॉपर प्लस 2HNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस NO2। अब चेक करो डिफरेंट वाले एटम को, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 3 और 1 4, 4 नाइट्रोजन है, एक 2CuNO3 होल ट्वाइस, सॉरी 2 लगा रहा हूं मैं,
तो यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन यहाँ पे चार और दो छह हैं, तो 6HNO3 लगा देना बिना देखे, ये 6 बन गया। अब देखेंगे H और O, H यहाँ 6 है, O यहाँ पे 18 है, H 6 है, O 18 है, लेकिन O यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, 2 6 12 12 प्लस 3 15, 3H 6H और 3O है तो 3H2 आ जाएगा। गर तूने 3H2 नहीं लगाया था ना? यस सर, मैं H2O लिखना भूल गया। चलो कुछ अब ये किस किस का सही है गर, पूरा ध्यान से क्या कर, एक भी क्वेश्चन गलत कर रहा ना तो ये दिक्कत है, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यार बिल्कुल भी, अब बहुत सोच समझ के आंसर देना है यहाँ पे, ये गलतियां फिर आदत बन जाती है आगे जाकर। गर्व, अर्जुन, अरुषि, हिमांग, नवीन, निकिता, सिद्धि, आर्यमन, ध्वनि, इन बच्चों का सही हुआ है। छवि, छवि लेक्चर देख लिए थे? यस सर, बस एक रह रहा है वो उस दिन का फ्राइडे वाला। चलो देख लेना फ्राइडे को भी, फ्राइडे तो मैंने, अच्छा एक रह रहा है फ्राइडे का, तीन लेक्चर लिया मैंने फ्राइडे को। हाँ सर, वो लास्ट वाला रह रहा है। हाँ सही, वो कर लेना जरूर, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ यही, कल रिडॉक्स टाइट्रेशन टॉपिक होगा, सही ना, कल टॉपिक होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन, असाइनमेंट सब लेके आना जरूर। अच्छा अब है KCl3 से KCl प्लस 3/2O2, रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, मैंने पूछा तुम्हें KCl3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, दो मिनट और दे दे। जल्दी से देंगे, हाफ मिनट का टाइम है, जल्दी से बोलेंगे आंसर। M by 3 है गर्भ सिंगल का और M by 6 है, जैसे हिमांग ने बोला है। यस सर। अच्छा अभी देखते हैं, सभी देखते हैं थोड़ी देर। तो मेरा भी M/6 ही आ रहा है। शरद का भी M/6 है। सर M/6 चलो अब देख लो एक बार, देखो KClO3 से KCl प्लस 3/2, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एलिमेंट जो है, हाँ क्या बोलना अगर सर, मेरा भी M/6 आ गया। किसका? सर उदित। उदित, अच्छा बहुत अच्छा उदित। देखो KClO3 में दैट ना Cl पे प्लस 6 चार्ज है, प्लस 5 चार्ज है, KClO3 है ना, Cl पे प्लस 5 है, O पे माइनस 2 है, O पे माइनस 2 है, क्लियर है, और K पे तो प्लस 1 है, वो हर जगह प्लस 1 है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब Cl प्लस 5 से गया Cl माइनस 1, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम हो रहा है रिड्यूस, दूसरा एटम होगा ऑक्सीडाइज। देखो O3 है, इसके एटम जरूर झांकना, इसके एटम तुमने गलत कर दिए ना, अब देखो O3 था तो मैंने O3 लिखा है, रिएक्टेंट के एटम्स का ध्यान देना होता है हमेशा, O3 था माइनस 2 तो ये बना 3/2O2, यहाँ पे 0, तो 3 × −2 − 6, 3/2 × 0 0, तो ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में, 6 इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में, ऐसे केसेस में n फैक्टर होता है 6 कंपाउंड का, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ऑक्सीडाइज हुआ, एक एटम रिड्यूस हुआ, n फैक्टर आएगा 6, n फैक्टर आएगा 6, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट कोई पूछेगा तो बोलना M/6, और इसका वेट पूरा निकालना है, K का 39, Cl का 35.5, तो ये हो गया 74.5 प्लस O3, 16 × 3 = 48, 122.5, ये आंसर है, ये फास्ट कैलकुलेशन करके ना आंसर बोला करो, यही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे।
यही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? गर्व, हिमांग, नवीन, ओके गर्व, यही आंसर है, चेक करेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, NH4 hold twice, CR2O7 gives, गरम किया, इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, कम से कम 6 या 7 बार IIT में पूछी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, N2 plus CR2O3 plus 2H2O के वेपर्स। इसमें तुम्हें इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन रट देना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऑरेंज कलर कंपाउंड, और ये ऑरेंज कलर का होगा कि नहीं, NH4 hold twice, CR2O7, ऑरेंज कलर कंपाउंड है कि नहीं ये? Yes, sir. क्यों है ऑरेंज ये? किस आयन को देखकर ऑरेंज बोला तुमने? Cr2O7 ये ऑरेंज कलर कंपाउंड है, हाँ सही है, ऑरेंज कलर कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स एन इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस, एंड ए कंपाउंड रिजेंबलिंग ग्रीन टी, एंड ए कंपाउंड रिजेंबलिंग ग्रीन टी, Cr2O3 में Cr+3 है कि नहीं? है कि नहीं Cr+3? यस सर। तो ये दिस इज अ कंपाउंड विच रिजेंबल्स ग्रीन टी एंड वाटर वेपर्स, वाटर के वेपर्स मिल रहे हैं, तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए पूरी, मतलब एक वॉल्केनिक रिएक्शन है, हल्का सा गर्म करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट को, तो हल्का सा गर्म करते ही ना ग्रीन कलर के फाउंटेन टाइप के मिलते हैं इसमें, ऐसे हल्का सा गर्म करते हैं ऑरिजिनल कंपाउंड ग्रीन कलर के फाउंटेन मिलते हैं, समझ आया क्यों मिलते होंगे? नहीं समझ आया? Cr2O3 ग्रीन कलर का ना, और H2O के वेपर्स है, H2O के फॉर्म में, वेपर्स ही फॉर्म में, तो हल्का सा गर्म करते हैं, एक वॉल्केनिक रिएक्शन होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इस टाइप की रिएक्शन होती है, और ये मिलता है, सही ना, ये रिएक्शन याद कर लेना, तुम्हें अभी इतनी डिटेल मैंने तुम्हें दे दी है ना, तुम्हें पता होनी चाहिए सारी, बस तुम्हें यहाँ निकालना है अमोनियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट, निकाला किसी ने आंसर? सर होने वाला 2 मिनट, कितना आया? सर M/2, चलो इससे निकाल लिया M/2, और बच्चे निकालेंगे, अर्जुन ने निकाल लिया आंसर, सिद्धि ने भी आंसर निकाल लिया है, और किसी बच्चे ने निकाला हो? सर M/8 आ रहा है। M/8, शरद ने भी आंसर कर लिया है, हाँ शरद बता कैसे किया है? शरद सर यहाँ पे NH4 होल्ड ट्वाइस वाले में सर इसका n फैक्टर सर -3 मतलब चेंज -3 R था, और सर वहाँ पे जब उस तरफ हमने निकाला था तो वहाँ पे H2O के वहाँ पे +3 R था, तो -3 से +3 सर उसमें चेंज देखा था, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा था, तो वो M/6 आ रहा था। नहीं शरद तू देख, NH4 होल्ड ट्वाइस है, इधर n पे चार्ज -3 है, ध्यान देना, इधर N पे चार्ज -3 है, तो उसको ऐसे लिखना है N2-3, और क्रोमियम पे चार्ज तो पता ही है +6 होता है, एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है,
तो एन टू माइनस थ्री इससे आया एन टू और चार्ज आया जीरो, चार्ज आया जीरो, तो ये आ जाएगा देखो इधर n2 पे माइनस थ्री से जीरो आया, छह इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं गर्व m by 12 नहीं है, छह इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, और दूसरा Cr2 और 7 2 नेगेटिव से 2 Cr3 प्लस आया, तो प्लस छह यानी ये हो गया 12 और ये हो गया 6, छह इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें भी, ऑक्सीडेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा m by 6, नहीं समझ आया अभी? Yes, sir. नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. अब किस किसने गलत था? शरद का, शरद ने तो बोला गलत था बिल्कुल, तुम लोग उल्टा सीधा आंसर तरीके से निकाल लेते हो आंसर। शरद yes, sir. शरद बता कंसेप्ट से निकाल आंसर, क्या बोल रहा है तू? H2O को ले रहा है तू, उसमें H2 में तो कहीं पे कोई चेंज ही नहीं है, H यहाँ पे भी प्लस वन वाला है, यहाँ पे भी H प्लस वन वाला है, O यहाँ भी माइनस टू है, O यहाँ पे भी माइनस टू है, H2O का मतलब क्या लेने का? कितने क्वेश्चन करा लो तुम, पता नहीं क्यों उल्टे सीधे आंसर निकालते रहते हो। NH4 प्लस यूज करके कर सकते हैं क्या? N2 माइनस 3 की जगह NH ऐसे NH4 होल्ड ट्वाइस है, तो समझा कि नहीं है हिमांग? यस सर। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या अलग है हिमांग? नो सर। फिर दोनों सेम सर, निकाल ये यूज कर सकते हैं ना, ये मतलब ये पूछा था यूज कर सकता मैं, बस ये पूछ रहा था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अभी क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन के? नहीं ये यस सर। अभी अभी देखो अभी तक तुम्हें दिख रहा है क्या कि सेम है इलेक्ट्रॉन, सेम आ रहे कि नहीं, चाहे ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे कि नहीं? यस यस। अगर सेम नहीं आते ना, सेम नहीं आते मान लो किसी केस में, तो डिफरेंस ले लेना। देखो देख छह इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, देख गर्व छह इलेक्ट्रॉन इधर है, छह इधर है, नहीं समझ आया? है गर्व दोबारा बोल। नहीं मतलब ये तो समझ आएगा कि छह इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में जा रहे हैं, छह ऑक्सीडेशन में आ रहे हैं, पर मतलब ये बात मतलब वो नहीं हो रही कि सिक्स ही होएगा इनफैक्ट, मतलब 12 ही होएगा। एक मोल के लिए टोटल, मेरी बात सुन, एक मोल के लिए टोटल छह इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? एक मोल कंपाउंड के लिए तो वही वो एन फैक्टर होता है सर, बट छह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में फिर छह रिडक्शन में भी। हाँ तो फिर क्या बोलेगा आंसर बता तू? अगर मैं तेरे से डाइग्रोमेटाइज का भी बोलता हूँ इक्विवेलेंट वेट, तो क्या बोलेगा? सिक्स ही रहेगा ना m/6, और अगर मैं n2 का बोलूंगा तो उसका भी सिक्स ही रहेगा एन फैक्टर, समझा कि नहीं? सर अगर एक का सिक्स होता और एक का फोर आ रहा होता फिर तो मैंने कहा डिफरेंस ले लियो तू इसमें। जैसे एक देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद उससे बनेगा NH4 होल थ्राइस PO4, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ये मान ले कन्वर्ट हुआ से NO3 नेगेटिव में प्लस PH3 में, इधर इक्विवेलेंट वेट निकालना NH4 होल थ्राइस PO4 का, चेक करो जरा। गर्व अटेंडेंस ले लिए? यस सर।
कल की क्लास ध्यान रखना, कल की ऑफलाइन वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे हम। एन फैक्टर निकालना आता है और मिलिक्विलेंट के फॉर्मुले यानी मोल के सबके सारे फॉर्मुले तुम्हें सारे आने चाहिए, मिलिक्विलेंट के स्पेशली फॉर्मुले, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000, ये चारों फॉर्मुले। नंबर मोल्स दे रखे हैं तो क्या यूज करना है, मोल्स दे रखा तो मास दे रखा तो क्या यूज करना है, मोलरिटी दे रखा तो क्या यूज करना है, नॉर्मलिटी दे रखा तो क्या यूज करना है, ये तुम्हें आना चाहिए सबको। अलग अलग आ रहे हैं फैक्टर दोनों, प्रियंका बोलो नहीं सर वो गलती से हो गया था। चलो पीओ फोर थ्री नेगेटिव से पी एस थ्री, तो यहाँ पे पी प्लस फाइव से पी माइनस थ्री। अब यहाँ पे आए आठ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, माइनस नाइन, ये देखो यहाँ पे माइनस नाइन और प्लस 15, 24 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें, ऑक्सीडेशन में 24 इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंस ले लेना इस केस में। ओके सर, नंबर 16। हाँ ये कर लेना इस चीज को जरूर, इसको भी भूलना नहीं, बिल्कुल भी तरीका बताऊंगा, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा इनके, लेकिन अभी तुम पहले याद कर लो, उसको याद कर लोगे ना उससे बेनिफिट मिलेगा बाद में। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये दिया तुम्हें, इसमें बोला बेनिफिट जल्दी से, Fe2O4 से Fe3+ बना प्लस CO2 बना, क्या इन्फेक्टर आएगा इस कंपाउंड का, ये मैंने बताया हुआ पहले, इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ इसका, कितना m/3। बहुत अच्छे, ऐसे चाहिए फास्ट आंसर, बिल्कुल। Fe2+ से Fe3+ आया एक इलेक्ट्रॉन, C2O4 2 नेगेटिव से आया 2 CO2, तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 दो इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा एक मोल है, चेक कर लो तुम, एक मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट C2O4 होगा 88 प्लस 56 12 144 बाय 3 यही आएगा ना गर्व। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और निकाल लो जल्दी से, Fe2C2O4 whole thrice, पहले बताओ क्या इसमें redox change होगा कि नहीं, जैसे मेरा which can be oxidized, ध्यान देना क्वेश्चन है, which can be oxidized by say KMnO4, which can be oxidized by KMnO4, बताओ क्या आंसर आएगा इनमें से, which can be oxidized by KMnO4? Sir, B or D? Answer है B और D. B और D. चलो और कोई? Sir, A और B. A और B. और कोई बच्चा? Sir, A, B और D. A, B और D. हाँ, A, B और D. A, B और D. बहुत अच्छे गर्व, तेरा सही है गर्व. 1, 2 और 4. किसको समझ आ गया देख के आंसर? These can be oxidized. किसको देख के आंसर समझ आ गया? सर बी और डी आ गया, सर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन उसमें है ना। हाँ, अर्जुन को समझ आ गया, अर्जुन बता कैसे जल्दी से। सर जब KMnO4 से रिएक्ट करेंगे तो जैसे Fe का सेकंड वाला है तो Fe में तो KMnO4 लग जाएगा और बाहर उसके साथ अटैच हो जाएगा K के साथ C2O4 और Fe3 में K लग जाएगा आयोडीन और बाकी का उसके साथ उठ जाएगा और FeSO4 में K2SO4 बन जाएगा। और हाँ ये तिशा, यस सर, तिशा तिशा आंसर नहीं बोल रहे एक भी, समझ आया सारा टॉपिक की नहीं? तिशा सर आ गया समझ, तिशा रिपीट करना जरूर, और तुम्हें लग रहा होगा कि ये पहले किया हुआ सारा है। सर मैंने आपके पुराने वाले लेक्चर्स देखे हुए हैं। अच्छा देखे हुए हैं, चलो कुछ नहीं, आंसर बोला करो तिशा। सही तिशा? सर एक डाउट था। यस सर। हां सर, जैसे पिछले वाले में जो अभी एफई वाला करा इसमें तो हमने सर वो एन फैक्टर इनके ऐड ही कर दिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन बाकी में डिफरेंस कर रहे हैं, ऐसे कैसे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे हम?
ये मैं बताऊंगा अर्जुन, पहले एक बार इसका आंसर सुन लेने तो टाइम हो जाएगा अभी। देखो Fe2CO4 थ्राइस, इसमें हिमांग ये C2O4 नहीं है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन प्लस थ्री है, कार्बन तो प्लस थ्री में ही है ना, यहाँ पे प्लस फोर में नहीं जाएगा, ये सिक्स CO2 बनाएगा कि नहीं, तो इसे चेक करना ढंग से। इसमें आयरन प्लस टू है, सल्फर प्लस सिक्स है, तो वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सही है। तो ये Fe2SO4 Fe+3 में चला जाएगा, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा क्योंकि आयरन प्लस थ्री में, Sb+6 में, क्लियर है कि नहीं। और लास्ट केस में Fe3+ और I- Fe3+ I- तो I- जाएगा I2, सही ना, I- किस में जाएगा, I2 में, समझ आ गया कि नहीं। I- बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो I- किस में कौन हो जाएगा, I2 के अंदर। I- का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि FeCl3 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन Fe3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या रीजन है, तो क्या बोलेंगे, एजेंट है, तो वो आयरन प्लस थ्री को, है ना, आयरन प्लस थ्री को प्लस टू में कर देगा, समझ गए कि नहीं। ये यस सर, बोलेगा CuCl2 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर प्लस टू को कॉपर प्लस वन में कर देगा। हाँ, तो ये भूलना नहीं इन क्वेश्चंस को, ये I- का केस भूलना मत, कई जगह ये लगेगा कंसेप्ट, कई जगह कंसेप्ट लगेगा ये वाला, तो इसको तुम लोग पढ़ लेना ढंग से। और कल की क्लास में दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स टाइट्रेशन की, उसको मिस नहीं करना, उसके बेसिक्स मिलेंगे तुम्हें, बेसिक्स में ही नीट और IIT मेंस कवर हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन भी तो एडवांस, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, सही ना, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन उसके, चलो पढ़ लेना तुम लोग ढंग से।